है हरा साग, जिसको हम गढ़वाली भाषा में देपली बोलते हैं। तो नहीं जाओगे, बारिश हो गई, अब कैसे जाना फिर? मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी ऑलमोस्ट टाइम 7:30 के करीब हो चुका है और अब जाके मैं भी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और आज भी एक मस्त वाली धूप लगी हुई है। तो फिलहाल अभी तक थोड़ा बहुत पूजा वगैरह थी घर पे, तो वो ऑलमोस्ट निपट चुकी है। बाकी अभी नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर मैं भी देखता हूँ दुकान जाने के लिए सोचता हूँ क्या होता है। बाकी अभी छोटू है इधर अंदर, बाकी भाभी लोग किचन में। क्या खाना? चाय? अब अभी किसने निकाला? अब मम्मी गई। मम्मी करने? रोड पे मत रहो। हाँ भाई, रोड पे मत रहो। अभी ऑलमोस्ट 12:30 के करीब टाइम हो गया है और शिवांश लोग इनकी छुट्टी भी हो गई और इनको ना साथ में लेके जा रहा हूँ। और अभी धूप इतनी ज़्यादा हो गई कि किसी टाइम ना धूप बिल्कुल निकल रही है और किसी टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो चलते हैं घर की ओर। बाकी आज क्या 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 भाई गोलू, स्कूल में क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं हुई। हाँ तो आपकी कॉफी लाओ। क्यों? उसमें पढ़ने खत्म होने वाले हैं। वाले हैं ना, हुए नहीं ना अभी। मेरे पल्ले खत्म हो गए। क्यों, तेरे पहले कैसे हो गए? मेरे तो अभी तीन पल्ले थे। तीन थे बचे, एक पे मैंने कर दिया, दो बचे। काम था तेरा था और क्या, वो फ्रूट स्नैम वो तो मिल गए ना, अभी तक तो वो कौका नहीं मिले दो पेज। अच्छा, और आपके? मेरे तीन पन्ने हैं। तेरे कैसे नहीं हुए खत्म? जब एक में से कर लूँगे तो तब दूसरे में से, तब तीसरे का, ठीक है तब हो गया। अभी ऑलमोस्ट टाइम लगभग 12:30 के करीब तो हो ही गया और इनकी छुट्टी लगभग 12:30 के करीब ही होती है। और वैसे आज ना धूप बहुत ही ज़्यादा है और लगभग 2-4 दिनों से मतलब बारिश हुई नहीं, हल्की फुल्की हुई थी 2-4 दिन पहले। हम 1-2 दिन पहले रुद्रप्रयाग में थे तो हल्की बारिश हुई थी, वैसे हुई नहीं थी उतनी ज़्यादा। बाकी अभी घर चलते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, रेस्ट करते हैं, देखते हैं आज घर पे खाने में क्या बना है। धूप किस किस को हो रही भाई? इन दोनों को हो रही है, उस्मान साहब और गोलू को नहीं हो रही ना। और कुछ टाइम बाद जो घरेलू कामकाज हैं वो मतलब निपटने ही वाले हैं। बाकी अभी जो मंडवा था उसकी जो घास है जिसपे मतलब लगा हुआ था मंडवा, वो निकाल के ना सुखाने के लिए रख दिया है। जब ये पूरा सूख जाएगा ना तब इसको मतलब किसी पेड़ वगैरह पे ना लगा के छोड़ देंगे तो ये ना फिर ख़राब नहीं होता, जैसे बारिश वगैरह होती है तो ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी।
बाकी इधर जो प्याज वगैरह था उस पे ना पूरे अंकुर वगैरह आ गए हैं, और इसको अपना धूप पे रखेंगे और फिर इसको ना मतलब जहाँ हमारा किचन है उसके ऊपर रख देंगे। बाकी मिर्च भी ऑलमोस्ट ना तैयार हो ही गई है, मतलब बिल्कुल सूख गई है, जैसा होना चाहिए इनको वैसे हो गया है तैयार। और इधर है अभी मधुमक्खी पूरी बाहर आ रखी है, मतलब इनको ज़्यादा ही गर्म होता है तो तब जाके बाहर आती है। बाकी अभी का वेदर ये है। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है खाना खाने का, और खाना आज क्या क्या बनाया खाने में, और आज है हरा साग जिसको हम गढ़वाली भाषा में देपली बोलते हैं, और बाकी जो दही है और खीरा वगैरह है और मिर्च हो गया और सब्जी हो गया। बाकी सिवांश भी खाना ही खा रहा है, तो पहले खाना खा लेते हैं। और जो ये साग होता है ना काफ़ी टेस्टी होता है और मज़ेदार भी रहता है, तो पहले खाना खा लेते हैं। सिवांश कैसा हो रहा? अच्छा, बढ़िया हो रहा ना? है वो गोलू टेस्ट किया? टेस्ट भी किया? फिलहाल खाना वगैरह हो गया है और मैं भी ना रूम पे आ गया हूँ, बाकी थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। आ गए हनुमान जी? कहाँ डोई? कहाँ गए हनुमान जी? गाड़ी नीचे गिरेगा। तो फिलहाल निकल चुका हूँ मैं अभी दुकान के लिए, और बाकी ना बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, शुरू हो गई, और सडनली हम लोग यहाँ से निकले और बारिश शुरू हो गई। अब तो रुक जाओ, अब तो मुश्किल जाओगे, अब तो नहीं जाओगे, बारिश हो गई, अब तो नहीं जाओगे, अब कैसे जाना फिर? अबे रो क्यों रहा, बारिश हो गई, अब जाना कैसे फिर? अंकल मैं भीग गई। चलो जाओ। और यही चीजें होती हैं पहाड़ों में, लगभग बारिश कब हो जाए ना कुछ पता नहीं चलता, अचानक से बारिश हो गई और क्या पता थोड़ी देर में बंद भी हो जाए, इसलिए हमने ना छोटू को घर भेज दिया। जब बारिश ज़्यादा हो गई तो उसको ना इधर उधर लाना ले जाना मतलब यही सरदर्दी थी, तो इसलिए उसको घर चले गया वो, अब वो घर पे ना रो रहा होगा। और बारिश के साथ साथ धूप भी निकल गई, ये वैसे ही बारिश हो रही है, वैसे ही धूप निकल गई। और जब इस टाइप का मौसम बनता है तो रेनबो निकलता ही यहाँ पे हैं जो लोगों ने फ्री गाय ऐसे छोड़ रखी है ना, इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अभी ये ना कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आए हैं, पहले तक ये वो ये नहीं थे, कोई और था, मतलब कोई और गाय थी। आजकल नए हैं ये सारे, तो पता नहीं आजकल ही किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया इनको, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि बाद में आप इनको ऐसे ही फ्री छोड़ रहे हो। तो पूरा मौसम लगभग पैक हो गया है, और ये साइड तो फिर भी ठीक है।
और फिलहाल बारिश शुरू हो गई और ये लगे हैं अपने कामकाज पे। और सिवांश भी पहुंच गया भाई और बारिश भी शुरू हो गई। बाकी आते हैं उनको चाहिए मेरा साइकिल के नहीं रह जाता। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।